देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाला ताजमहल आज विवादों से घिर गया है, जहां एक बार फिर से हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने शिव आराधना कर माहौल को गर्मा दिया है। हिंदू जागरण मंच के युवा जिलाध्यक्ष गौरव ठाकुर ने ताज परिसर में न केवल शिव आराधना की बल्कि भगवा झंडा भी फहराया गया। हिंदूवादियों ने उसे हिंदू आस्था का केंद्र बताते हुए तेजो महल करार दिया। उन्होंने ताज परिसर में शिव भगवान की पूजा करते हुए केंद्र सरकार से ताजमहल के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कई बार हुआ है जब सांस्कृतिक विरासत को धार्मिक आस्था से जोड़कर माहौल को संवेदनशील बनाया गया। यहां सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों को लेकर भी है कि आखिर किस तरह से लोग इस तरह की चीज़ों को लेकर न केवल ताज परिसर में प्रवेश कर जाते हैं बल्कि मन मुताबिक ढंग से वहां पर झंडा भी फहरा लेते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है।